हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल शाहरुख ब्लॉग। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग बताऊंगा हाउ टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी। गाइस, अगर आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं, आप न्यू हैं इस फील्ड में, आपको पता नहीं है मर्चेंट नेवी कैसे ज्वाइन करना है, कौन सी कॉलेज बेस्ट होगी, वेसल कैसा होता है, डिपार्टमेंट कोर्स सैलरी प्रमोशन वगैरह, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सब कुछ आप लोगों को बताऊँगा टोटल डिटेल्स में। और टोटल मेरे पास 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोगों को दूंगा। और टोटल 10 क्वेश्चन आप देख सकते हैं एआई लिस्ट, और एक क्वेश्चन का मैं आप लोगों को आंसर दूंगा। और तो रूल्स रेगुलेशन कुछ चेंज होते रहते हैं, इसके बारे में बताते रहता हूँ। और ये वीडियो को पूरा देखना, फिर आपको पता चलेगा अगर आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो प्लीज़ पूरा देखना, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या है। अंदर फुल इन्फॉर्मेशन दूंगा इस वीडियो में, एक वीडियो में, और वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो देख लेना, ठीक है। तो ऐसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ मर्चेंट नेवी के बारे में, मर्चेंट नेवी है क्या। तो मर्चेंट नेवी में गाइस कमर्शियल शिप्स होते हैं, नॉन कम्बटेंट कमर्शियल शिप्स, मतलब गैर लड़ाकू जहाज। अब इंडियन नेवी में आप लोगों को पता है इंडियन नेवी में और शिप होते हैं, और अपना मर्चेंट नेवी में वो व्यावसायिक जहाज है, मतलब कार्गो को इस कंट्री से कोई एक कंट्री मान लो, जैसे कि इंडिया से दुबई लेके जा रहा है, इंडिया से चाइना, इंडिया से सिंगापुर, कार्गो लोडिंग होता है, डिस्चार्जिंग होता है, डिफरेंट टाइप की जहाज है। तो कार्गो कैरी भी अलग अलग होता है, जैसे कि टैंकर है, टैंकर तो ऑयल वगैरह कैरी करेगा, गैस टैंकर तो गैस कैरी करते हैं, केमिकल टैंकर केमिकल कैरी करती है, और अगर बल्कि है तो बल्कि गेहूँ चावल स्टोन और भी बहुत सारी सीमेंट वगैरह बहुत कैरी करते हैं ये सब। और अगर कंटेनर है तो कंटेनर सिर्फ कंटेनर कैरी करेंगे, ठीक है। तो इस टाइप की जहाज होते हैं, और ये प्राइवेट जॉब है, कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है। आपको ऑन ड्यूटी का सैलरी मिलेगी, ना कि ऑफ ड्यूटी का, ठीक है। अगर आप छुट्टी में हैं तो उसकी सैलरी आपको नहीं मिलेगी, ये प्राइवेट जॉब है, आप लोग पहले बता देता हूँ। और अगर आप बाई चांस आपका कुछ हो जाता है, मतलब ऑन बोर्ड अगर आपका कुछ एक्सीडेंट इंसिडेंट हो जाता है तो उसका इंश्योरेंस वगैरह होता है, तो आपको पैसा मिल जाएगा। खैर, ये टोटल 10 क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये बेसिक क्वेश्चन है जो कि आपको पता होना चाहिए अगर आप मर्चेंट नेवी में आना चाहते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ टाइप्स ऑफ शिप्स के बारे में। टाइप्स ऑफ शिप गाइस, मर्चेंट नेवी में बहुत सारी शिप्स हैं, और बहुत, जैसे कि बल्क कैरियर, पहले बताया मैं आप लोगों को, बल्क है, कंटेनर है, टैंकर है, रोरो शिप है, कैटल कैरियर है, ऑफशोर वेसल वगैरह है, पैसेंजर शिप्स है, तो बहुत सारी शिप्स है। बल्क कैरियर जैसे कि चावल गेहूँ सीमेंट वगैरह कैरी करते हैं, स्टोन और भी बहुत सारी कार्गो होती है जो कैरी करते हैं, और कंटेनर कैरी करते हैं, कंटेनर के अंदर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी सामान हो सकता है। तो और टैंकर ऑयल हो सकता है, ऑयल कैरी करेंगे, या फिर केमिकल है तो केमिकल, और गैस होगा तो गैस कैरी करते हैं, और रोरो शिप कार कैरी करते हैं, ये रोरो शिप है, और कैटल कैरियर एनिमल्स वगैरह इस कंट्री से दूसरी कंट्री ट्रांसपोर्ट करते हैं, और ऑफशोर वेसल रिग का सामान वगैरह लेके जाना आना ये सब का काम होता है। पैसेंजर शिप आप लोगों को पता है भाई, पैसेंजर शिप पैसेंजर को घुमाने के लिए, टूर के लिए बने हुए हैं, और पैसेंजर को एक कंट्री से दूसरी कंट्री घुमाते हैं इधर उधर, तो यही है शिप्स का। सो अब दो नंबर पॉइंट है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, पहले तो आपको मेडिकली फिट होना है, ठीक है, और मेडिकल आपको करवाना है डीजी शिपिंग अप्रूव डॉक्टर से, डीजी अप्रूव जो डॉक्टर है उनसे ही करवाना है मेडिकल। और क्या है, बहुत सारी कोर्स है आप लोगों को बताऊंगा इसके बाद। तो अलग अलग कोर्स का अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एजुकेशन का, किसी में 10 पास, मतलब कोई कोर्स है जो कि 10 पास होने के बाद भी आप कर सकते हैं, बट उसका पास मार्क्स 40% होना चाहिए, ऐसा करके है, बाद में बताता हूँ आपको। और कुछ कोर्स है जो आपको 12 पास होना चाहिए और विथ PCM 12 पास के, और मार्क्स पास मार्क्स होना चाहिए 60%। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और मेडिकली एंड फिजिकली आपको टोटल पूरा फिट होना चाहिए, मेडिकली एंड फिजिकली फिट होना चाहिए। आई तो आपको पता है 6x6 चाहिए, और नो कलर ब्लाइंडनेस, कान वगैरह जो भी है सब में कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, कोई मेजर ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। और गाइस, अगर कैंसर है या फिर TB की जैसी बीमारी है या फिर एड्स की जैसी कोई बीमारी है तो आप इस कोर्स मेडिकल में अनफिट हो जाएंगे। तो मेडिकल आपको डीजी शिपिंग अप्रूव डॉक्टर से करवाना है, और शिपिंग अप्रूव डॉक्टर इंस्टीट्यूट वगैरह सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कैसे आपको सर्च करना है और कैसे आपको जाके मेडिकल करवाना है। डीजी शिपिंग अप्रूव का लिस्ट टोटल मैं आपको बताऊंगा, डीजी शिपिंग का वेबसाइट के बारे में क्या है नहीं है, कैसे आपको सर्च करना है कोर्स का और डॉक्टर का इंस्टीट्यूट का, ठीक है, ये सब का टोटल मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। गाइस, तीन नंबर पॉइंट है कोर्स। कोर्स के बारे में आप लोग बता देता हूँ, कोर्स बहुत सारी कोर्स है, आप कोई भी एक कोर्स कर सकते हैं। अगर कोर्स में आप लोग बता देता हूँ, ओपन CDC एक 12 दिन का कोर्स है और 10 से 15 हज़ार खर्चा होगा,
10 से 15 हज़ार खर्चा होगा ये कोर्स करके भी आप मर्चेंट नेवी आ सकते हैं, बट इसमें कोई फ्यूचर नहीं है, फ्यूचर स्कोप कुछ भी नहीं है। अब कोर्स का आपको डिटेल्स में वीडियो अगर चाहिए तो यूट्यूब में मिल जाएगी या फिर मेरा चैनल में भी अपलोड किया हुआ, आप जाके देख सकते हैं। तो सेकेंड कोर्स है जीपी रेटिंग कोर्स, थर्ड है CCMC है, और फोर्थ नंबर है DNS, एंड फाइव है BNS है, GME, TME, BTEC। ये जो कोर्स आप लोग बताए OpenCDC है, जीपी रेटिंग, CCMC, DNS, BNS, BTEC, मैरीन इंजीनियरिंग, ठीक है। ये सब कोर्स का अगर आपको डिटेल में वीडियो देखना है तो आप यूट्यूब में जाके देख सकते हैं, बहुत वीडियो मिलेगा आपको, बहुत अच्छी अच्छी यूट्यूबर है मर्चेंट में। अब गाइस मैं आप लोग को बताता हूँ चार नंबर पॉइंट है इंस्टीट्यूट की फीस। तो DGCPing अप्रूव कॉलेज से आपको करना है, DGCPing अप्रूव इंस्टीट्यूट बहुत है इंडिया में, ठीक है, बहुत आपको मिलेंगे, बट उसका प्लेसमेंट रिकॉर्ड आपको देखना पड़ेगा। और प्लेसमेंट रिकॉर्ड कैसे चेक करते हैं एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा, तो उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा कि कैसे चेक करना है प्लेसमेंट रिकॉर्ड, और DGCPing अप्रूव डॉक्टर और DGCPing अप्रूव इंस्टीट्यूट कैसे सर्च करना है, ठीक है। अगर आपको जीपी रेटिंग कोर्स करना है तो मिनिमम टू मैक्सिमम मैं आपको बता देता हूँ फीस क्या रहेगा। मिनिमम तो मान लो जीपी रेटिंग का 130 ओडिशा मैरिटाइम अकेडमी है तो 130 ले, 1,30,000 लेती है, और मैक्सिमम 2,50,000 तक, मान लो 1,30,000 से 2,50,000। और एक कंपनी मतलब ये इंस्टीट्यूट का पर डिपेंड करता है, हर एक इंस्टीट्यूट का अलग अलग फीस रहता है, कोई 2,00,000 लेती है, कोई 180,000 लेती है, कोई 2,20,000 लेती है, ठीक है, ये इंस्टीट्यूट का पर डिपेंड करता है पूरा फीस। और CCMC का जो कैटरिंग का कोर्स है सैलून रेटिंग, तो इसका भी कॉलेज का पर डिपेंड करता है कितना फीस लेती है। और DNS का मैं आपको बता देता हूँ, DNS 3 से 7-8 लाख तक खर्चा होगा एक साल का कोर्स में। और BNS का बता देता हूँ, BSc नॉटिकल साइंस ड्यूरेशन है 3 ईयर्स, और इसका फीस आपको लगभग लग जाएगा 5 से लेके 12-13 लाख तक। अगर आप BTEC मैरीन इंजीनियरिंग कोर्स करते हैं तो इसका लग जाएगा 8-9 लाख से लेके 15-18, ये सब कॉलेज का पर डिपेंड करता है, 10 लाख लेती है, कोई 12 लाख, कोई 15 लाख, ऐसे करके, ठीक है, कॉलेज फीस है। और BTEC मैरीन इंजीनियरिंग 4 साल का कोर्स होता है। ये सब कोर्स का बारे में आपको डिटेल में जानना है तो वीडियो आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं, वीडियो आपको मिल जाएगी। अब मैं आप लोगों को 5 नंबर पॉइंट बताता हूँ, 5 नंबर पॉइंट में है डिपार्टमेंट। गाइस डिपार्टमेंट आप लोगों को बताया कि डेक साइड है, इंजन साइड है, और सैलून रेटिंग है, तो आप इनमें से कोई भी एक चूज़ कर सकते हैं। आपको पहले कोर्स करना पड़ेगा, अगर आपको डेक डिपार्टमेंट ज्वाइन करना है तो आपको जीपी रेटिंग कोर्स करना पड़ेगा या फिर DNS BNS, इन तीनों में से कोई भी एक कोर्स करना पड़ेगा। और इंजन साइड का, इंजन साइड में आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको जीपी रेटिंग कोर्स करना पड़ेगा। जीपी रेटिंग कोर्स करते हैं तो आप दो साइड जा सकते हैं, एक इंजन, दूसरा है डेक। और एक कोर्स है BTEC मैरीन इंजीनियरिंग, ये अगर कोर्स करते हैं तो आप इंजन साइड ज्वाइन करते हैं एज ए जूनियर इंजीनियर। और सैलून रेटिंग जो है, सैलून रेटिंग का CCMC का कोर्स है, अगर CCMC कोर्स करते हैं तो आपको कुक मतलब GS में ज्वाइन करना पड़ेगा, फर्स्ट जो आपका रैंक रहेगा GS। तो ये 3 डिपार्टमेंट हो गया, डेक साइड, इंजन साइड और सैलून रेटिंग, जो डिपार्टमेंट पसंद है तो वो वाली कोर्स करना पड़ेगा उसका। और 6 नंबर पॉइंट है रैंक, रैंक क्या रहेगा अगर आप फर्स्ट टाइम जहाज में चढ़ते हैं तो आपका रैंक क्या रहेगा। तो अगर आप डेक साइड ज्वाइन करते हैं जीपी रेटिंग कोर्स करने के बाद आपका रैंक रहेगा ट्रेनी डेक रेटिंग, अगर आप इंजन साइड ज्वाइन करते हैं तो आपका रैंक रहेगा ट्रेनी इंजन रेटिंग, अगर आप कैडेट का कोर्स करते हैं DNS BNS इनमें से कोई भी एक तो आपका रैंक रहेगा ट्रेनी डेक ऑफिसर, ट्रेनी डेक कैडेट जो भी। और अगर आप BTEC मैरीन इंजीनियरिंग कोर्स करते हैं तो आपका रैंक रहेगा ट्रेनी जूनियर इंजीनियर या फिर ट्रेनी इंजन कैडेट, ये आपका रैंक रहेगा। अगर आप सैलून रेटिंग का कोर्स करते हैं कुक का तो आपका रैंक रहेगा, फर्स्ट टाइम अगर आप ऑनबोर्ड होते हैं तो आपका रैंक रहेगा GS। 7 नंबर पॉइंट है वर्क रैंक, फर्स्ट टाइम अगर आप जहाज में चढ़ते हैं तो अगर आप इंजन साइड में या फिर डेक साइड में, पहले मैं डेक साइड का बता देता हूँ, ट्रेनी डेक रेटिंग या फिर ट्रेनी ओएस, ट्रेनी ओएस का ड्यूटी ये है कि क्लीनिंग करना और मोइंग स्टेशन में स्टेशन करना, बर्थिंग अनबर्थिंग का टाइम, एंकर वॉच, नेविगेशन वॉच, पहले तो फर्स्ट टाइम आपको स्टेयरिंग वगैरह नहीं दिया जाएगा, आपको वॉच करना पड़ेगा, और पायलट पिकअप करना, डेक वर्क में चिपिंग पेंटिंग ये सब आ जाता है, अगर बल्कि में है तो हैच क्लीनिंग वगैरह ये सब करना है, झाड़ू मॉप ये सब मारना है, खुद से हम लोगों को करना पड़ता है, तो ये सब बेसिक जो काम रहता है ट्रेनी वॉइस को दिया जाता है। और इंजन वालों को, अगर कोई इंजन है, ट्रेनी वाइपर है इंजन साइड में, तो इंजन साइड वालों का काम रहेगा क्लीनिंग चेक करना रहता है, बॉयलर चेक करना, टेम्परेचर वगैरह ये सब चेक करना, और भी कोई भी मशीनरी वगैरह क्लीन वगैरह कुछ करना है, सीनियर रहेगा वो आपको बता देंगे कि क्या करना है क्या नहीं है, कैसे काम करना है, ठीक है। ड्यूटी जो बेसिक रहेगा नॉर्मली काम, आपको कोई प्रेशर दिया नहीं जाएगा। आप सैलून रेटिंग में कुक में हैं तो फर्स्ट टाइम अगर जहाज ज्वाइन करते हैं GS में,
तो GS में आपको पता है भाई, कटिंग वगैरह सब्जी जो वेजिटेबल है वो सब कटिंग करना है, प्लेट वगैरह धोना है, खाना खाना बनाना, चिपकू से आपको सीखना है, चिपकू का देख देख के आपको सीखना है, खाना बनाने का काम है। तो जो भी है बेसिक खाना बनाने का जो काम रहता है, खाना बनाने के लिए जो भी काम करना पड़ता है वो करना पड़ेगा GS को। और डेक कैडेट का क्या है, डेक कैडेट का हम लोगों का साथ काम करेगा, डेक का भी काम करेगा, चिपिंग पेंटिंग वगैरह जो भी है ये सब करेंगे, और पेपर वर्क भी उसको करना है। और इंजन कैडेट जो है, इंजन कैडेट का काम इंजनों का ट्रेनिंग वाइज पर उन लोगों का साथ जो काम है, बेसिक जो काम है करना पड़ेगा, और पेपर वर्क वगैरह जो भी है उनका वो सब करना पड़ेगा। तो जैसे आपका प्रमोशन होगा वैसे आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ते जाते हैं। 8 नंबर पॉइंट है कंपनी, ITF कंपनी होती है और RPSL कंपनी होती है। ITF के पास भी RPSL लाइसेंस होती है। ITF कंपनी में सबका जाना ड्रीम होता है कि भाई ITF कंपनी में खाना वगैरह, खाना पीना, रूल्स रेगुलेशन, सैलरी, ये सब बहुत मतलब एक नंबर A1 होता है, ठीक है, ITF कंपनी में। RPSL कंपनी में भी सब ठीक ठाक है बट सैलरी वगैरह थोड़ा कम है। ITF कंपनी और RPSL कंपनी क्या होती है इसके बारे में टोटल एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, फुल इन्फॉर्मेशन के साथ वीडियो आपको यूट्यूब में मिल जाएगी और मेरे चैनल में भी है, जाके आप देख सकते हैं। अगर मैं इसके बारे में फिर बताऊंगा तो फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। और बिफोर कोर्स अगर आप स्पॉन्सर होकर जाते हैं तो आपके लिए अच्छा है, आपको डर नहीं रहेगा कि भाई कोर्स तो कंप्लीट हो जाएगा फिर जॉब कैसे मिलेगी। अगर आप स्पॉन्सर हो जाते हैं कोई टेंशन नहीं है, पूरा फ्री टेंशन का, फ्री माइंड में आराम से पढ़ाई करो, अपना पढ़ाई में ध्यान दो, पास हो जाओ, फिर जॉब तो 100% गारंटी है आपका अगर आप स्पॉन्सरशिप लेके जाते हैं तो। स्पॉन्सरशिप लेके जाना तो ITF RPSL कंपनी ये है। और नंबर है योर सैलरी, तो सैलरी गाइस एक कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, आप कौन सी कंपनी में हैं, आप इंडिया में हैं या फिर FG में हैं, FG में कौन सी कंपनी में, इंडिया में है तो या इंडिया की कौन सी कंपनी है, तो सैलरी पूरा पूरी कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। फिर भी बेसिक में सैलरी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अगर इंडिया की ऑफशोर वगैरह में है, ऑफशोर वेसल में सप्लाई DP वगैरह ये सब वेसल है करते हैं तो 10-12 ऐसे नॉर्मल सैलरी मिलेगी। अगर आप FG में ज्वाइन करते हैं तो 250-300 तक मिल जाएगी, ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कंपनी आपको कितना पे करती है, किस टाइप की वेसल है। अगर आप मेन फ्लीट में जाते हैं, मेन फ्लीट बल्कि टैंकर वगैरह भी, कंटेनर, रोडो वेसल या फिर कैटल कैरियर, इस टाइप की वेसल में जाते हैं, बड़ी बड़ी जो जहाज़ होती है, तो मेन फ्लीट में नॉर्मली आपका सैलरी 300-350 तक। सर ITF कंपनी में फर्स्ट टाइम आप ज्वाइन किए हैं तो आपका सैलरी 450 तक आपको मिल जाएगी, लगभग 30,000-35,000 तक आपको मिलेगी फर्स्ट टाइम में, ठीक है। अगर आप RPSL कंपनी में हैं, कोई RPSL कंपनी का थ्रू आप ज्वाइन कर रहे हैं तो $300-350, ये कंपनी का ऊपर डिपेंड करता है सैलरी पूरा। और उसके बाद आपका जैसे रैंक प्रमोशन होगा, आपका जैसे प्रमोशन होगा तो आपका सैलरी बढ़ती रहेगी। प्रमोशन गाइस 10 नंबर पॉइंट प्रमोशन के बारे में आप लोग बता देता हूँ। तो इंजन और डेक और क्या है सैलून रेटिंग, तो आप फोटो देख सकते हैं, प्रमोशन का टोटल पूरा लिस्ट है कैसे स्टेप बाय स्टेप प्रमोशन होता है और सैलरी भी स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाते हैं। जैसे कि डेक साइड में कोई ट्रेनी ओएस है, फर्स्ट टाइम जहाज ज्वाइन किया डेक साइड में, तो उसका सैलरी सपोज कि $300 है, मेन फ्लीट में है, FG में है, कोई भी एक जहाज में है तो $300। उसके बाद उसका ऑस्क भी निकलेगा, 6 मंथ में ऑस्क भी निकलता है डेक साइड का। अगर आप GP रेटिंग स्टूडेंट हैं तो आपका 6 मंथ में ऑस्क भी निकल जाएगा, आफ्टर ऑस्क में आपका सैलरी 500-600-700 तक आपको मिल सकता है या फिर 800-900 तक मिल सकता है। ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सी कंपनी में, ITF में है, RPSL में है या फिर कौन सी कंपनी में, ठीक है। और इंजन वालों का भी सेम है, इंजन साइड का, ट्रेनी वाइपर का, आफ्टर वॉच कीपिंग, उसको भी सेम सैलरी मिलेगी। तो गाइस ए है, सो गाइस ए है छोटा सा वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मैं आप लोगों को लास्ट में फिर आप लोगों को बता देता हूँ, DGCPing अप्रूव कॉलेज से आपको कोर्स करना है, DGCPing अप्रूव डॉक्टर से आपको मेडिकल करवाना है, आ जाना कोई भी एजेंट के बातों में मत आ जाना, क्योंकि बहुत सारी सीमेन है जो भाई उसको बड़ी GIT बोल के सप्लाई वेसल वगैरह, DP वेसल, टक बोर्ड, ऐसे क्रू बोर्ड में डाल दिया, पता नहीं खाना पीना कैसे मिल रहा होगा, रहना सैलरी आती होगी कि नहीं, तो ये सब का दिक्कत हो जाता है। तो इसलिए एजेंट से बच के रहने का लास्ट में आप लोग बता देता हूँ।